हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टूडेज़ वी विल डिस्कस अबाउट रोजमेरी ऑयल एंड सैंडल बूड ऑयल व्हाट डू मीन बाई रोजमेरी ऑयल जैसा कि आप नाम से देख रहे हो दैट इज द ऑयल विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द रोजमेरी सो रोजमेरी इज़ बूढ़ी और फ्रेगरेंट हार्ब ऑफ द सी समुद्र में मिलने वाली एक बूढ़ी और जिसमें से फ्रेग्रेंस निकलती हैं जिसमें से सुगंध सुगंधित फ्रेग्रेंस निकलती है उसको बोलते हैं अपन रोज मैरी दिस रोज मैरी प्रोड्यूस द इसेंशियल ऑयल और बॉलेटाइल ऑयल दैट इज रोज मैरी ऑयल जो आपका रोज मेरी ऑयल है दैट इज़ द इसेंशियल ऑयल मीनिंग दिस ऑयल इज़ इजली ई बेपोराइट और एक्ट ये एसेंस एसेंस मतलब एसेंस मतलब होता है इजली वेपोराइजेबल ऑयल जो ईजिली वेपोराइज हो जाए ऐसा ऑयल क्या कहलाता है आपका बॉलेटाइल ऑयल कहलाता है और इसेंशियल ऑयल कहलाता है दिस ऑयल इज़ बेस्ट नॉन फॉर इट्स स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी सूथिंग एक्टिविटी एंड पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी आपने देखा होगा इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेडेक, मान लो कोई पर्सन हेडेक से सफ़र कर रहा है स्किन ड्राइनेस ड्राई हो गई है तो ऐसे पर्सन को अपन या मान लो कहीं पेन हो रहा है पर्सन को पेन हो रहा है मतलब दर्द हो रहा है तो ऐसे पर्सन को अपन बोलते हैं कि थोड़ा सा क्या करो सर पे अपन रोजमेरी ऑयल रब कर लो लगा लो उस रोजमेरी ऑयल के अप्लाई करने से सिर दर्द पेन और आपकी जो ड्राई स्किन है दैट इज ईजली रिलीव्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द रोजमेरी ऑयल रोजमेरी मेरी ऑयल रोज का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बायोलॉजिकल सोर्स मीनिंग अपन इसको प्लांट के किस पोर्शन से लेते हैं और उस प्लांट का बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम क्या है सो रोजमेरी ऑयल इज ऑप्टेंड बाई द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग टॉप्स एंड स्टॉक्स ऑफ द रोज मैरिनास ऑफिसनेलिस यहाँ पे जो ये है रोज मैरिनास ऑफिसनेलिस दैट इज द साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम ऑफ द रोज मैरी हार्ब जो हर्ब समुद्र में मिलती है उस हर्ब का बोटनिकल ने रोज मेरिनास ऑफिशनैलिस एंड दिस बिलोंग टू द फैमिली लेमिएसी ये जो है वो लेमिएसी फैमिली से रिलेटेड हार्ब है एंड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अपन वॉलीटाइल ऑयल को ऑप्टेन करते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी हार्ब इस हर्ब के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिटेंट्स हैं जो मिलते हैं मेनली वॉलीटाइल ऑयल कंटेनिंग एस्टर्स एंड एल्कोल आर प्रजेंट इन द रोजमेरी ऑयल रोजमेरी ऑयल के अंदर आपको सिंपल लिखना है कि वॉलेटाइल ऑयल तो मिलेगा ही ऐसा वॉलेटाइल ऑयल जिसके अंदर एस्टर्स और एल्कोल रहते हैं मेनली दिस कंटेन वन एट सीनियऑल वन एट सीनियऑल सीनी मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको लिखना है कि इसके अंदर सीनील मिलता है बोर्नियल, बोर्नियल मिलता है कैम्फर कैम्फर मिलता है कपूर कपूर जैसी खुशबू आती है इसके अंदर बोर्नियल एसीटेट सिमिलरली मोनोटर्पीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड ट्राई टर्पीन एल्कोहल अल्फावीटा एमाइरिन रोज मेरीनिक एसिड एंड रॉफी सिरॉन बहुत कम मात्रा में मिलता है एंड कैफिक एसिड इज आल्सो प्रजेंट इन दिस ऑयल एंड क्लोरोजेनिक एसिड माइन्यूट क्वांटी में मिल माइन्यूट मीनिंग बहुत ट्रेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में अपन को ये चीज़ मिलेंगी अल्फा हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रो कैफाइक एसिड एंड ग्लाइकोसाइड्स ऑफ द लूटीन एंड डायोस्मेटिन इनके ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं एंड कार्नोसोलिक एसिड कार्नोसॉल एंड रोस रोसमा रोसमानॉल एपी एपीरोसा मेनॉल एंड आइसो रोसमेनॉल आल्सो प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट इन द rosemary oil. Now we will discuss about commercial preparations or commercial production of the rosemary oil. Yes, now we will discuss about commercial preparations of rosemary oil. इसको अपन commercially कैसे produce करते हैं, कैसे बनाते हैं और इसके क्या-क्या marketed product हैं. Then इसके क्या-क्या therapeutic use हैं. इसको देखना है. बहुत simple है. Commercial preparations meaning हाउ यू प्रिपेयर द रोजमेरी ऑयल फ्रॉम द हर्ब ऑफ द रोज मैरी सो रोजमेरी ऑयल इज़ प्रिपेयर बाई स्टीम डिस्टिलेशन जैसा कि आप नाम से देख रहे हो स्टीम डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज़ द स्टीम और हॉट एयर स्टीम का मतलब क्या होता है हॉट एयर इसमें अपन क्या करते हैं हॉट एयर का यूज़ करते हैं सबसे पहले वी कलेक्ट द रोज मैरी फ्लावरिंग टॉप्स और फ्लावरिंग स्टेम्प्स ऑफ द रोजमेरी रोजमेरी के जो फ्लावरिंग स्टेम पार्ट है उसको अपन क्या कर लेते हैं कलेक्ट करते हैं वॉश कर लेते हैं ड्राई कर लेते हैं थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं सिंपल वे में उसमें से पानी वानी जो होता है उसको निकाल देते हैं थोड़ा सा देन उसको अपन क्या करते हैं जो स्टीम डिस्टिलेशन की यूनिट है उसके अंदर जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है या जो जो भी स्पेसिफिक बेसल है उसके अंदर लोडेड कर देते हैं आफ्टर लोडिंग लोडिंग करने के बाद में अपन इसको इन बॉटम पोर्शन से नीचे से अपन क्या करते हैं स्टीम पास करते हैं हॉट एयर पास करते हैं ये जो स्टीम है हॉट एयर है वो क्या करती है ऑयल ग्लैंड को वस्ट आउट करती है उनको क्या कर देती है तोड़ देती है ब्रोक ब्रोकन डाउन द ऑयल ग्लैंड्स उसकी वजह से जो उसमें से ऑयल निकलता है दैट विल बी ई वेपोरेटेड वो क्या हो जाता है वेपर में कन्वर्ट होता है वह ऊपर की तरफ स्टीम के साथ ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर की तरफ उठ करके सारा इसेंशियल ऑयल विल कम इन टू द कंडेंसर कंडेंसर में आता है कंडेंसर में ठंडा ठंडा होकर के वो नीचे बैठ जाता है जैसे वो नीचे की तरफ आता है उसको अपन एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस बाई विच वी कलेक्ट द वेपर ऑफ द वॉलीटाइल ऑयल और इसेंशियल ऑयल और रॉजमेरी ऑयल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटेड प्रिपरेशंस मार्केटेड प्रिपरेशन क्या है इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन देखोगे आप जो रोजमेरी ऑयल है मैक्सिमम हेयर ऑयल के रूप में काफ़ी मात्रा में मिलता है जैसे एंटी एंटी डेंड्रफ ऑयल आता है एक एंटी डेंड्रफ हेयर ऑयल इज अवेलेबल इन द मार्केट सिमिलरली एंटी डेंड्रफ शैम्पू दैट कंटेन स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द रोजमेरी ऑयल रोज मेरी ऑयल मिलता है शैम्पू के अंदर एंटीडेंड्रफ शैम्पू के अंदर मान लो किसी पर्सन के हेयर हैं वो ऑयली हैं ग्रीजी ग्रीसी हैं ग्रीसी मतलब बहुत ज़्यादा चिक ग्रीसी हो गए हैं तो ऐसे पर्सन्स को प्रोटीन प्रोटीन वाला शैम्पू चाहिए सो रोजमेरी ऑयल आल्सो कंटेन अ प्रोटीन्स सो प्रोटीन शैम्पू फॉर द ऑयली एंड ग्रीजी ऑयल दैट इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट सिमिलरली एरिना प्लस नाम से हिमालय ड्रग कंपनी बनाती है एरिना प्लस हेयर ऑयल है दैट इज आल्सो मार्केटेड फोर रोजमेरी ऑयल सिमिलरली हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू आता है हेयर फॉल मतलब बालों को झड़ने से रोकने वाला शैम्पू इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट दैट कंटेन रोजमेरी ऑयल ना आपने देखा होगा खादी नेचुरल रोज मेरी ऑयल इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया इंडिया के अंदर खादी नेचुरल रोजमेरी ऑयल इज़ ऑल्सो अवेलेबल सिमिलरली इंडस वैली बायो ऑर्गेनिक रोजमेरी ऑयल इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो रोजमेरी ऑयल है रोजमेरी हर्ब से मिला था वो खादी नेचुरल रोजमेरी ऑयल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है सिमिलरली इंडस वैली बायो ऑर्गेनिक रोजमेरी ऑयल के नाम से मिलता है सिमिलरली आप देख सकते हो एंटी डेंड्रफ हेयर ऑयल मिलता है मार्केट के अंदर एंटी डेंड्रफ शैम्पूज़ के अंदर मिलता है आपको इस इसी तरीक़ा से यदि मान लो किसी पर्सन को जो ऑयली हेयर्स हो गए हैं ग्रीजी, ग्रीसी हेयर्स हो गए हैं या मान लो प्रोटीन की कमी हो गई है प्रोटीन की कमी हो गई तो रूखे रूखे से बाल हो गए हैं तो उन उनको उनको ट्रीट करने के लिए अपन रोजमेरी ऑयल का यूज़ करते हैं इट मीन्स रोज ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव टू प्रिवेंट द डेंड्रप प्रॉब्लम और टू ट्रीट द डेंड्रप प्रॉब्लम इन द हेयर्स और स्किन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थेराप्यूटिक यूज अब ये देखते हैं कि अपन कौन कौन सी कंडीशन में अपन को इस हेयर इसको यूज करना है जैसा कि आपने देखा ये सबसे ज़्यादा डेंड्रफ एंटी डेंड्रफ शैम्पू के रूप में यूज़ होता है एंटी डेंड्रफ ऑयल के रूप में यूज होता है तो वी कैन से दैट इट रिवाइव द डल स्किन मान लो किसी पर्सन की जो स्किन है बहुत डलनेस आ गई है इसके ऊपर रूखी रूखी सी दिख रही है तो दैट कैन बी ट्रीटेड विद द यूज ऑफ द रोजमेरी ऑयल एंड इट गिव्स इट अ रिफ्रेश फील तो ये जो ऑयल जब अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर तो अपनी जो स्किन है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है ऐसा लगता है बिल्कुल तरोताज़ा हो गए हैं अपन इट स्टिमुलेट द हेयर ग्रोथ आपने देखा होगा कई पर्सन्स के जो बाल हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं इन दिस केस रोजमेरी ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव टू टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द हेयर्स मीनिंग हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रमोट करने के लिए रोजमेरी ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव सिमिलरली इन द केस ऑफ डेंड्रफ इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डेंड्रफ प्रॉब्लम मान लो बालों में डेंड्रफ हो गए हैं तो अपन क्या करते हैं एंटी डेंड्रफ ऑयल का यूज करते हैं दैट कंटेन रोजमेरी ऑयल सिमिलरली इन द केस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डेंड्रफ ऑन द स्किन स्किन पे भी आ जाते हैं स्किन पे भी हेयर्स रहते हैं आपको देखा होगा वाइट वाइट आपको डेंड्रफ दिखते हैं देट कैन ऑल्सो भी रिजॉल्व बाई द यूज ऑफ द रोजमेरी ऑयल सो इट फाइट्स द डेंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम मीनिंग वी कैन से दैट जो आपका रोजमेरी ऑयल है वो डेंड्रफ से क्या करता है फाइट करता है इट सॉफ्ट एंड द हेयर्स या क्या करता है हेयर्स को सॉफ्ट करता है एंड इनको साइन साइनिंग प्रोवाइड करता है उसमें चमक आती है ग्लोइंग आती है हेयर्स के अंदर इट मीन्स जो हेयर ऑयल रोजमेरी ऑयल है दैट इज वेरी यूजफुल टू प्रीपेयर एंटीडेंड्रफ शैम्पू एंटीडेंड्रफ ऑयल एंड सो मैनी क्रीम्स दैट आर ऑल्सो यूज टू सॉफ्ट देयर्स एंड स्किन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल प्रिपरेशंस दैट कंटेंट रोजमेरी ऑयल एंड दैट यूजेज टू प्रिवेंट इंटरनल प्रॉब्लम्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल यूजेज ऑफ द रोजमेरी ऑयल मीनिंग अपन रोजमेरी ऑयल को इंटरनली यूज प्रिपरेशंस में यूज करते हैं लाइक रोजमेरी ऑयल आल्सो हैविंग एंटी स्पाजमोडिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसका मीनिंग यह है कि इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द स्टमैटिक मीनिंग पेट में दर्द हो रहा है या मान लो पेट में मरोड़े आ रहे हैं उस केस में भी अपन क्या करते हैं रोजमेरी ऑयल का यूज करते हैं बिकॉज इट आल्सो हैविंग अ एंटी स्पाज प्रॉपर्टी मीनिंग जो स्पाज में आते हैं स्पाज का मतलब पेट में दर्द हो रहा है तो अपन उस पेट दर्द को भी कम करने में काम में लेते हैं स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई स्पाज में आ रहा है दैट कैन बी रिजॉल्व बाई द यूज ऑफ द रोजमेरी ऑयल एंड इट आल्सो हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इट मीन्स इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्राम इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइन मान लो इंटेस्टाइन in, के अंदर इन्फ्लामेशन से सफ़र कर रहा है तो ऐसे पर्सन में भी रोज मेरी ऑयल को अपन इंटरनली यूज कर सकते हैं दैट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट इन्फ्लामेशन इंटरनली इन्फ्लामेशंस दैट हेल्प इन रिलीविंग द ज्वाइंट पेन ये जॉइंट पेन में भी काम में आता है एंड सोरनेस ऑफ द मसल्स और मसल्स में यदि मान लो पेन हो रहा है तो उसमें भी अपन लगा सकते हैं एक्सटर्नली आप लगाओगे मसल्स में तो इट कैन आल्सो हेल्प टू बूस्ट द इम्यूनिटी ये क्या करता है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है इंटरनली जब भी अपन यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन और टू बूस्ट द इम्यूनिटी एंड कॉम्बैट द डिजीज जिससे अपने शरीर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है रोगों से अपन कॉम्बैट कर सकते हैं कॉम्बैट मतलब लड़ सकते हैं अगेंस्ट में काम कर सकते हैं इट आल्सो हैविंग एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर बैक्टीरिया को किल करने की पावर होती है बहुत से कीटाणुओं को ख़त्म करने की पावर होती है इसलिए इसको बोलते हैं इट हैविंग एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी एंड दैट इज यूज टू ट्रीट मान लो इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिसम यदि मान लो किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम मीनिंग इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई बाय द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस आ रहा है मीनिंग इन्फ्लामेशन आ गई है ब्रोंकाई bron के अंदर दैट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द रोजमेरी ऑयल एंड नेजल डी एड फ्रॉम द कॉमन कोल्ड एंड फ्लू मान लो किसी पर्सन को खांसी जुकाम बुखार हो जाता है कॉमन कोल्ड फ्लू कंडीशन आ जाती है दैट उस कंडीशन में क्या हो जाता है जुकाम लग जाती है तो उसमें नाक बंद हो जाती है नेजल डी कंजेशन मीनिंग कंजेशन जो प्रॉब्लम हो जाती है नाक बंद हो जाती है सांस लेने में प्रॉब्लम आती है उसको डी करते हैं उसको नाक को खोलते हैं अपन तो दैट इज़ इन दैट कंडीशन वी आल्सो यूज द रोज ऑयल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड सेंडल बूड ऑयल अपन दूसरा ऑयल यूज ऑयल स्टडी करेंगे अब जिसका नाम है चंदन का तेल सेंडल बूड ऑयल मतलब चंदन की लकड़ी सभी ने सभी जानते होंगे चंदन की लकड़ी का नाम सुना है इसका मीनिंग क्या है अपन सेंडल बूड ऑयल के बारे में जानेंगे कि ये कौन सी चंदन की लकड़ी से मिलता है उस प्लांट का क्या नाम है और उसके किस पार्ट से अपन लेते हैं चंदन के तेल को तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सेंडल बूड मतलब जो चंदन की लकड़ी है उस लकड़ी में से अपन एक इसेंशियल ऑयल और वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं वो बॉयल ऑयल क्या कहलाता है सैंडल वूड ऑयल चंदन का तेल कहलाता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द सैंडल वुड ऑयल सो सैंडल वुड ऑयल इज ऑप्टेंड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ कौन सा है सेंडल ऑफ सेंटालम एल्बम जो आपका सेंडल है मतलब चंदन की लकड़ी जो है उस चंदन के पेड़ का नाम होता है सेंटालम एल्बम सेंटालम एल्बम प्लांट की जो लकड़ी है सेंडल बूड है उस बूढ़ का अपन क्या करा क्या बनाते हैं चूरा बना लेते हैं और चूरा बना करके पाउडर बना करके उसमें से अपन स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अपन क्या करते हैं वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं सो दिस प्लांट बिलोंग टू द फैमिली सेंटालेसी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सेंडल वुड ऑयल है तो सेंटालेसी फैमिली है सेंटालम एल्बम इसका नाम है सेंटालेसी फैमिली से बिलोंग करता है नाउ यू कैन सी द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स और फाइटो कॉन्स्टिटुंट्स ऑफ द प्लांट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूवेंट्स में आप देखोगे सेस्कु टर्पिन्स एल्कोहल्स आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस सेंडलवुड ऑयल सेस्कुट टर्पिन्स एल्कोहल कौन कौन से हैं आपके अल्फा सेंटोल और बीटा सेंटोल अल्फा सेंटोल और बीटा सेंटोल इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है इसका ध्यान रखना है अल्फा सेंटोल एंड बीटा सेंटोल्स बिल्कुल ध्यान रखो इसको देन उसके बाद में एल डी सेंटोल सेंटीन सेंटिनॉन सेंटिनॉन इसी तरीका से आप देखोगे टेरेस टेरेसेंटोल एंड सेंटा लॉन इसी तरीका से नाम ध्यान रखो सेंटा लॉन एंड सेंटालिन आर आल्सो अनदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सैंडलवुड ऑयल तो सेंडल वूड ऑयड में अपन को ध्यान रखना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा सेक्कुटरपिन एल्कोल्स मिलते हैं सेस्कुटरपिन एल्कोल्स में भी आपको ध्यान रखना है अल्फा एंड बीटा सेंटोल अल्फा सेंटोल एंड बीटा सेल्स सेंटोल आर द मेन केमिकल ऑफ दिस प्लांट एंड एल डी हेड सेंटोल सेंटीन सेंटिन सेंटिनोन के बाद में आ जाता है आपका टेरे सेंटोल एंड सेंटालोन सेंटालिन आर फाउंड इन द ट्रेस अमाउंट इन मीनिंग माइन्यूट क्वांटिटी में यह कंपाउंड भी मिलते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमर्शियल प्रिपरेशंस और हाउ वी प्रिपेयर द सेंडल वूड ऑयल अपन चंदन का तेल उस चंदन की लकड़ी में से कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे और इसकी क्या मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं कौन कौन सी मार्केट में चंदन के तेल की प्रिपरेशंस मिलती हैं उसको देखना है देन थेराप्यूटिक यूजेज को पढ़ना है अभी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सेंडल वूड ऑयल मीनिंग अपन इसको कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं सैंडलवुड ऑयल मतलब चंदन के तेल को अपन कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं सो फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सैंडलवुड ऑयल वी यूज़ स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस जैसा अपन ने पहले पढ़ा था स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा रोजमेरी ऑयल बनाया था सिमिलरली सैंडलवुड ऑयल इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाई द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द ट्रीज हार्ट बूड ट्रीज का जो हार्ट बूड है ट्रीज जो आपने देखा होगा चंदन का जो पेड़ होता है चंदन की जो लकड़ी है उसका जो मेन तना है मेन जो स्टेम पार्ट होता है उसका अंदर का जो अंदर का जो बूड है लकड़ी जो है उसको बोलते हैं हार्ट बूड मतलब जो भी आपका स्टेम है उस स्टेम के अंदर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हार्ट वूड ऑफ द ट्री सो so, ट्रीज हार्ट वूड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेंडल वूड नाउ वी कलेक्ट दें हार्ट वूड ऑफ सेंटालम अपना जो सेंटालम प्लांट है इसका ध्यान रखना है अपन को जो अपना सेंटालम एल्बम जो प्लांट है इसकी हार्टबूड लेनी है अंदर वाली जो लकड़ी है वो लेनी है स्टेम की और उसको लेने के बाद उसको कन्वर्ट करना है कोर्स पाउडर के अंदर सुखा करके थोड़ा सा उसको किस में कन्वर्ट करना है कोर्स पाउडर में कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद दिस कोर्स पाउडर विल बी लोडेड इन अ बेसल ऑफ़ द स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट की एक राउंड बोटम फ्लास्क जैसी बेसल्स होती है उसके अंदर लोड कर दो दैन उसमें अपन नीचे से स्टीम अप्लाई करते हैं मतलब हॉट एयर हॉट एयर उसमें से पास करते हैं या हॉट एयर क्या करती है जो कोर्स पाउडर था उसमें सेल्स हैं स्टीम बूढ़ की क्या है? सेल्स हैं उन सेल्स को ऑयल ग्लैंड की सेल्स को तोड़ देती हैं तो ऑयल ग्लैंड क्या करती हैं फ्रैक्चर हो जाएंगी टूट जाएंगी ऑयल ग्लैंड में से फिर बेपर निकलती है किसकी सेंडल बूड ऑयल की सेंडल बूड ऑयल की बेपर निकलती है वो स्टीम के साथ में ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ जाकर के कंडेंसर से जब भी पास होती है तो वो क्या हो जाती है कंडेंस्ड हो जाती है नीचे की तरफ बैठने लग जाती है जैसे ही ये नीचे की तरफ बैठती है देन वी कलेक्ट द कंडेंस्ड ऑयल इनटू अ स्पेसिफिक कंटेनर स्पेसिफिक कंटेनर में अपन इसको कलेक्ट कर लेते हैं प्यूरिफाई कर लेते हैं और उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं सो दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द एसेंशियल ऑयल लाइक द सैंडल वूड ऑयल बहुत ही सिंपल मेथड है इसमें अपन को स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करना है ना वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटेड प्रोडक्ट मार्केटेड प्रोडक्ट को देखना है कि कौन कौन से मार्केट में इस चंदन के तेल के प्रोडक्ट मिलते हैं फर्स्ट यू कैन सी दैट अवाना अवाना नाम से मिलता है चंदन का तेल अवाना एंड सिमिलरली ईवे केयर ईव केयर नाम से मिलता है लूकॉल एंटी रिंकल क्रीम आती है एक एंटी रिंकल क्रीम दैट कंटें सैंडल बूड ऑयल उसके अंदर भी सैंडल बूड ऑयल होता है चंदन का तेल मिला रहता है जो कि अपन के जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन पर समय से पहले समय से पहले चमड़ी जो है अपनी स्किन जो है वो क्या हो जाती है शिथिल हो जाती है ढीली पड़ जाती है उसके लिए भी अपन क्या यूज़ करते हैं चंदन के तेल का यूज़ किया जाता है हिमालय ड्रग कंपनी इसको सप्लाई देती है सिमिलरली महा महा मेरी चारी तेल महा 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 मेरी चारी तेल इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट दैट आल्सो कंटेन सैंडलवुड ऑयल सिमिलरली ब्रह्मा रसायन ऑयल दैट आल्सो कंटेन द सैंडलवुड ऑयल जिसके अंदर भी चंदन का तेल है दैट इज़ सप्लाइड बाय द डाबर डाबर कंपनी है ये सप्लाई देती है इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि बहुत सी कंपनियां हैं जो चंदन के तेल की सप्लाई देती हैं सो मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं जैसे कि आपने देखा एवेना एवेना एवकेयर लूकॉल एंटी रिंकल क्रीम्स एंड महामेरी महामेरिच आदि तेल एंड ब्रह्मा रसायन दैट इज मार्केटेड बाई द डाबर

ये जो है एंटीसेप्टिक एक्शन रखता है एंटीसेप्टिक का मीनिंग होता है कि इस तेल के अंदर अपने बैक्टीरिया को किल करने की पावर होती है जब एंटीसेप्टिक का मतलब होता है टू किल द बैक्टीरिया टू किल द माइक्रोब्स फ्रॉम लिविंग सरफेस जब अपन इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं मर जाते हैं इट मीन्स इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी सो सेंडल वूड ऑइल इज ग्रेट एंटीसेप्टिक एजेंट दैट इज सेफ जब अपन इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सेफ होता है बिल्कुल सुरक्षित है एंड इफेक्टिव बहुत एक्सटर्नली और इंटरनली यूज जब भी अपन इसको चाहे स्किन पे यूज करो चाहे अपन इसको इंटरनली यूज करते हैं तो बिल्कुल सेफ है इसका कोई भी विशेष साइड इफेक्ट नहीं है इट इज़ वेरी इफेक्टिव एज द स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यह है एंटी इन्फ्लामेट्री एजेंट का मतलब है स्वेलिंग या फिर पर्सन सफरिंग फ्रॉम द स्वेलिंग मान लो किसी पर्सन को ज्वाइंट में स्वेलिंग आ गई है दर्द हो रहा है मसल्स में पेन हो रहा है मसल एक मीनिंग मसल्स में पेन हो रहा है तो अपन एक्सटर्नली इसको अप्लाई करते हैं तो उसका जो मसल पेन है उसमें आपको हेल्प मिलती है इसी तरीक़ा से जॉइंट पेन में हेल्प मिलती है इसी तरीका से आप देख सकते हो कि बॉडी में जहाँ पे इंफ्लामेशन आ रही है वहाँ यदि अपन इसको अप्लाई करें तो इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाती है नाउ इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन इंसेक्ट बाइट ट्रीटमेंट आपने देखा होगा कई बार छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं पर्सन को काट जाते हैं और बाइट कर जाते हैं तो वहाँ पे क्या जाती आ जाती है रेडनेस आ जाती है इन्फ्लामेशन आ जाती है और पर्सन को इचिंग होने लग जाती है उस जगह पे इरिटेशन होने लग जाती है सो दिस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द सेंडल वूड ऑयल यदि अपन को प्योर चंदन का तेल उस जगह लगाते हैं तो जो इंसेक्ट बाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से ट्रीट हो जाती हैं ना तो वहाँ पे फिर इचिंग होती है ना स्वेलिंग आती है ना वहाँ पे इरिटेशन रहता है सो वी कैन यूज टू ट्रीट द इंसेक्ट बाइट विद द हेल्प ऑफ द सेंडल वुड ऑयल सैंडल वुड ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट क्रेम्प्स आपने देखा क्रैम्प का मतलब होता है एकदम मसल्स में क्रैम्प आना एकदम जो झुकाव एकदम मरोड़े आ जाना मसल्स मसल्स क्या करती हैं मरोड़े खाती हैं एकदम क्रैम्प क्रैम्प्स आने लग जाते हैं तो और कोल्ड कंडीशन कोल्ड मतलब सर्दी सर्दी के अंदर अपन को मसल्स में क्या आ जाते हैं एकदम अकड़ापन आ जाता है अकड़ने लग जाएंगी मसल्स तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर सलाह देते हैं यहाँ पर क्या करो आप चंदन का तेल लगाओ चंदन के तेल को लगाने से क्या होता है जो मसल्स होती हैं आपकी स्किलेटल मसल्स वो क्या हो जाती हैं रिलैक्स हो जाती हैं फुली रिलैक्स हो जाएंगी तो जो क्रैम्प्स आ रही हैं उन क्रैम्प्स में अपन को हेल्प मिलती है इट मीन्स दिस सैंडलवुड ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द क्रैम्प्स इन द कोल्ड कंडीशन मैक्सिमम जो एल्डरली पर्सनस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो क्रैम्स आते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा आते हैं तो सर्दियों में आते हैं उन सर्दियों के अंदर यह गर्म प्रवृत्ति का होता है सैंडलवुड ऑयल इसलिए अपन इसको क्या करते हैं वहाँ उस जगह पे मालिश कर लेते हैं उसकी तेल की तो इट रिलैक्सेज द इंटेस्टाइनल एंड एब्डोमिनल मसल्स क्रैम्प कभी कभी आपने देखा होगा इंटेस्टाइन के अंदर और मसल्स क्रैम्प होने लग जाते हैं पेट में मरोड़े आने लग जाते हैं पेट में दर्द होता है तो वह कंडीशन भी वी कैन ऑल्सो ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द सेंडल वूड ऑयल एंड आपने देखा होगा डाइजेशन के दौरान गैसेज बनती हैं तो इन गैसेज को बाहर निकालने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एजे कार्बिनेटिव वी यूज़ देंडल वुड ऑयल सेंडल वुड ऑयल का यूज अपन कर सकते हैं एज ए कार्बिनेटिव मतलब यदि मान लो डाइजेशन के दौरान पर्सन के अंदर क्या बनती है गैसेज बनती हैं तो गैसेज को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा आपका कार्बिनेटिव एजेंट का काम करता है इट आल्सो यूज टू रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पर्सन को हेडेक हो जाता है अचानक से सर में दर्द होने लग जाता है तो उस कंडीशन में अपन यदि सर के ऊपर चंदन के तेल को अप्लाई करते हैं तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं जो हाईली कॉन्ट्रैक्टेड हो रही थी वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं फुली रिलैक्स हो जाती हैं डायलेट हो जाती हैं उसकी वजह से वहाँ का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है सो इन दिस केस इस केस में अपन कह सकते हैं कि सैंडलवुड सैंडलवुड ऑयल इज आल्सो वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द हेडेक हेडेक होता है उस समय आप देख सकते हो द ऑयल इज रब्ड ऑन द रिस्ट आपने देखा होगा बहुत से लोग इसको रिस्ट यानी कि कलाई पे लगाते हैं जिससे क्या है कि दर्द नहीं होता है कलाई में जो दर्द होता है वो नहीं होता है एंकल्स आपके और इनहेल्ड डायरेक्टली डायरेक्टली इसको अपन इनहेल्ड करते हैं टू लोअर द स्ट्रेस स्ट्रेस यानी कि अपन ऊपर कोई मान लो दबाव है स्ट्रेस कंडीशन आ रही है या मान लो एंजाइटी चिंता हो रही है किसी पर्सन को चिंतित है पर्सन, तो उस को भी एंजाइटी मतलब के के को स्ट्रेस को, को दूर भगा सकते हैं इट आल्सो हेल्प इन ट्रीटिंग द ब्लीडिंग देखा होगा मसूडों में से क्या निकलता है ब्लड निकलता है तो मसूडों में से ब्लड निकलता है तो आपने देखा होगा कई मार्केट में पेस्ट आ रहे हैं सैंडलवुड है चंदन का तेल होता है क्योंकि चंदन के तेल के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन प्रेसिपिटेंट प्रॉपर्टी होती है इस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो गम्स में से क्या निकल रहा है मसूड़ों में से ब्लड निकल रहा है उस ब्लड को निकलने से रोका जा सकता है बिकॉज दिस प्रेसिपिटेट द प्रोटीन्स इन द गम्स गम्स के अंदर प्रोटीन का प्रेसिपिटेट करता है उसकी वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है ना इट आल्सो हीलिंग द माइनर बून मान लो छोटे मोटे घाव हो गए हैं उन घाव घाव को भी अपन हील कर सकते हैं क्लीनिंग द माउथ अपन माउथ फ्रेशर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं सेंडल वूड आपने देखा होगा सैंडल वूड ऑयल इज बैडली यूज टू प्रिपेयर द माउथ वाश माउथ वॉश में यूज होता है बिकॉज दिस आल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लीनिंग द माउथ कैविटी माउथ कैविटी को साफ करने की प्रॉपर्टी है इसके अंदर सिमिलरली इट आल्सो इम्प्रूव द सिक्रेशंस इन द जी आई टी एंड स्ट्रेथ स्ट्रेंथनिंग द गम्स और गम्स को मजबूत बनाता है यानी कि मसूड़ों को मजबूत बना सकता है जी आई के अंदर सीक्रेशन को बढ़ा देता है जिससे डाइजेशन बढ़ जाता है पर्सन का इट आल्सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एक्शन मान लो इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इंफेक्शन बाय द बैक्टीरिया बैक्टीरिया के द्वारा मान लो किसी कोई पर्सन को इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट किया जा सकता है सिमिलरली एंटी वायरल एजेंट का काम करता है और एंटी फंगल एजेंट भी है मान लो किसी पर्सन को दाद खाँच खुजली हो गई है उस पर्सन को अपन एक्सटर्नली क्या लगाते हैं चंदन का तेल लगाते हैं तो उसका जो एक्जिमा कंडीशन है वो भी ट्रीटेड की जा सकती है सिमिलरली इट आल्सो यूजड फॉर रिमूविंग द बैक्टीरिया एंड जर्म्स फ्रॉम द बॉडी बॉडी पे मान लो किसी तरीका के जर्म्स आ गए हैं जर्म वाली कंडीशन आ गई है बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं दैट कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द सेंडल बूड ऑयल बिकॉज सैंडल बूड ऑयल आल्सो एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट एंटीसेप्टिक एजेंट का काम करता है नाउ यू कैन सी दैट इट आल्सो हैविंग द एंटी प्रॉपर्टी ये जो सैंडल वूड ऑयल है इसके अंदर एंटी प्रॉपर्टी भी होती है एंटी प्रॉपर्टी का मतलब ऑक्सीडेटिव जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी सैंडल वूड ऑयल करता है अब यदि मान लो इसके अंदर एंटी प्रॉपर्टी है तो आप जब भी अपन स्किन के ऊपर इसको यूज करेंगे तो स्किन में एक्स्ट्रा ग्लोइंग आती है स्किन के अंदर रिंकल्स नहीं पड़ती हैं झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं समय से पहले अपन को बुढ़ापा नज़र नहीं आता है यदि मान लो सैंडल वूड ऑयल का अपन रेगुलर स्किन पे यूज करते रहें तो अपनी जो स्किन है उसके अंदर ग्लोइंग चमकदार जो चेहरा है वो दिखेगा चमकदार जो स्किन है वो दिखेगी ग्लोइंग आएगी एक्स्ट्रा ग्लोइंग आएगी सो इट आल्सो फ्लशेज आउट द टॉक्सेंस अपनी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज बनते हैं उन टॉक्सिस टॉक्सिक सबस्टेंसेज को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है फ्रॉम इंटरनल लेयर ऑफ द स्किन एंड प्रमोट द ओवरऑल स्किन हेल्थ ये जो है ये ओवरऑल देखा जाए तो सैंडलवुड ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव टू प्रमोट द स्किन हेल्थ स्किन हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ही यूजफुल है आल्सो ट्रीट द वेरियस स्किन इन्फेक्शंस लाइक द एक्ने मान लो किसी परसेंट में एक्ने हो गए हैं फुल्सियाँ छोटी छोटी सी फुल्सियाँ होती हैं पिम्पल्स लाइक पिम्पल पिम्पल्स हो जाते हैं रेसेज हो जाते हैं आपके आपकी रेडनेस आ जाती है स्किन पे दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ सेंडल वुड ऑयल सैंडल वूड ऑयल का अपन वहाँ पे यूज कर सकते हैं सो so, आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा अपन ने सेंडल वुड ऑयल पढ़ा और एक पढ़ा था रोजमेरी ऑयल आज के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर